तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को एक्सलरेट करवा देता है, और कितना, बहुत एक्सलरेशन, वेलोसिटी बहुत हाई एक्वायर करवा देता है। तो देखने वाली बात यह है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही क्यों, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए काम नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन इसमें सही तरीके से एक्सलरेट हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता उसको बाद में देखेंगे। तो इसका काम क्या है, इसका काम है किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बहुत स्पीड एक्वायर करवा के देगा, रेस्ट पे पड़ा हुआ पार्टिकल एक्सलेट करवा के बहुत हाई स्पीड एक्वायर कर, कितनी हाई स्पीड, कभी कभी तो इट अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट, मान लो 2 × 10^6 m/s। आप कहोगे उसमें क्या है, इस रूम में ई अप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को रख दो, फोर्स लगेगी क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई लिमिट है, अगर मैं यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ ना तो यहाँ पर एयर आयनाइज हो जाएगी बहुत हाई पोटेंशियल पे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इतने हाई वोल्ट्स जनरेट करने बहुत मुश्किल है, जहाँ 1,00,000 वोल्ट हो या अगर सपोज करो 10,000 वोल्ट हो, बहुत मुश्किल है। उसके लिए डिवाइस यूज करेंगे साइक्लोट्रॉन। क्या है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के अंदर दो, ये मैग्नेट है एक, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रखते हैं, नॉर्थ से साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। साइक्लोट्रॉन में दो डीज हैं, डी का मतलब मेटल की बनी हुई डी है, ऐसे ये एक डी है, ये दूसरी डी है, आपने सामने ऐसे पढ़ी है और खाली है, अंदर से इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जा सकते हैं। दो डीज हैं इन, और ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, दो डीज ऐसे है। तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑसिलेटर। तो ये ऑसिलेटर है जो क्या करता है, ऑसिलेट, ऑसिलेट क्या करता है, ये क्या करेगा, चार्ज इस मेटल की बनी हुई डी पे कभी पॉजिटिव लेके आएगा, मान लो अभी मान लो इसने नेगेटिवली इस डी को नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट कर दिया, फिर कैपिटल टी टाइम के बाद इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर देगा, फिर कैपिटल टी टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वापस ऐसे कर देगा, फिर ऐसे कर देगा। तो कुछ नहीं करता, चार्जेस चेंज करता जाता है डीज के ऊपर, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बस ये काम है। तो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ऐसे। तो आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को यहां रख दें, ये ऑसिलेटर का क्या काम है, ऑसिलेटर ने क्या करना है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव जनरेट करवा दिया, नेगेटिव चार्ज डी ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया, क्यू ई खींचा, अट्रैक्ट किया। जैसे वो चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था, तो स्ट्रेट जाने की बजाय वो कैसे मूव कर गया, इन अ सर्कल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वी के साथ, तो पार्टिकल को ऐसे जाना था, पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल स्ट्रेट जाने की बजाय गोल घूम गया। जैसे वो गोल घूम के यहां से बाहर आ रहा था, ऑसिलेटर ने यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव कर दिया। अब ये वी वेलोसिटी से बाहर निकल रहे, एक तो पहली वेलोसिटी वी है, फिर ऊपर से इस नेगेटिव डी ने इसे अट्रैक्ट कर लिया, फोर्स लगा ली, फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन जनरेट की, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, और जब वेलोसिटी बढ़ी तो ये बड़े चक्कर में इसने घूमना शुरू कर दिया। ये जैसे ही इस ओपनिंग में आया, ये वापस से नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को उस डी ने खींच लिया, ऐसे कर करके गोल घूम घूम के इतनी तेज वेलोसिटी, इतनी हाई वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा कि एंड में एक विंडो में से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा और टारगेट को स्ट्राइक किया जाएगा। जो भी आगे का एक्सपेरिमेंट है वो हमने डिस्कस नहीं करना। तो ये इसका प्रिंसिपल है, गोल गोल घुमा घुमा के उसकी वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, एमवी बाय बी क्यू। वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगा, उल्टा बोल लो, रेडियस बढ़ेगा वी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से वी की वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं, ये इसका काम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन? Yes. Yes, sir. अब दूसरा पॉइंट इसमें जो पढ़ने वाला है वो ये है, साइक्लोट्रॉन का मैथमेटिकल पोर्शन आपको आता है, वो पूछेगा कितने रेडियस में पार्टिकल घूम रहा है, वही सेम mv by bq। तो साइक्लोट्रॉन लिखो फॉर्मूला बुकलेट, उसमें लिखो साइक्लोट्रॉन का टॉपिक, साइक्लोट्रॉन के नीचे लिखो रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय mv by bq। ठीक है यहां तक? दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, एक डी में कितना समय बिताया, एक डी सेमी सर्कल है,
सर्कल में समय कितना बिताया? 2 पाई एम बाई बी क्यू। सेमी सर्कल में कितना समय बिताया? पाई एम बाई बी क्यू। लिख लो फॉर्मूला साइक्लोटोन में, एक डी में कितना समय बिताया, टाइम स्पेंड बाई चार्ज पार्टिकल इन ईच डी, पाई एम बाई बी क्यू। दूसरा फॉर्मूला फिर ये जरूर लिखना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे पूछा जाता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का टाइम पीरियड इज कैपिटल टी, और कैपिटल टी का ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, वही जो हमने ऑलरेडी किया था। कैसे, देखो ऑसिलेटर का काम क्या है, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फिर ऐसे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था तो आधा चक्कर कवर हुआ डी में, जब ऐसे हो गया बचा हुआ डिस्टेंस कवर हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वापस हो गया। तो ऑसिलेटर का टाइम पीरियड का मतलब क्या है, जब आधा चक्कर और आधा चक्कर पूरा हो गया तो ऑसिलेटर ने की पोजीशन वही हो जाएगी जो ओरिजिनल थी। तो ऑसिलेटर का टाइम पीरियड क्या होगा, पूरा एक चक्कर का टाइम जो एक डी जो आपका चार्ज पार्टिकल स्पेंड कर रहा है एक चक्कर में, जो कि क्या होगा 2t, यानी कि पूरे चक्कर का टाइम 2 पाई एम बाय बी क्यू, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी बी क्यू बाय 2 पाई एम। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बी क्यू बाय 2 पाई एम, लिख लेना इसे प्लीज। अब कई लोग ये बोलते हैं इस क्वेश्चन में रेडियस बढ़ रहा है जी, हाँ रेडियस बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन हर चक्कर का टाइम सेम है, टाइम में फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी होता है। भाई जब आर बढ़ रहा है तो वी भी बढ़ रहा है, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, और आर डबल हो रहा है तो वी भी डबल हो रहा है, तो टाइम की वैल्यू रिमेन्स सेम। इसीलिए ऑसिलेटर फिक्स टाइम पीरियड पे काम करता है, तो टाइम नहीं चेंज होगा। ये ना सोचना छोटे चक्कर का टाइम छोटा, बड़े चक्कर का टाइम बड़ा, ना हर चक्कर का टाइम सेम, राइट। अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जब वो गोल 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 घूम रहे तो उस केस में जब वो छोटा चक्कर बड़ा चक्कर बड़ा चक्कर आखिरी चक्कर आ गया, आखिरी चक्कर में जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी, वी मैक्स, और रेडियस भी क्या होगा, आर मैक्स, ठीक है आर मैक्स। तो इसके अंदर रेडियस होता क्या है, एम वी बाय बी क्यू, अगर वी मैक्स है तो आर भी मैक्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यू आर मैक्स डिवाइडेड बाय एम। और अगर मैं पूछूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आखिरी चक्कर में, तो आप क्या बोलेंगे, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो लिख लें फॉर्मूला रजिस्टर में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, तो ये लिखें ये लिखें ये लिखें, तो एंड में हाफ इंटू एम इंटू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, एम से एम कैंसल, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। अच्छा ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक, अब एक और तरीका है मैक्सिमम एनर्जी निकालने का, कैसे, मान लो एक डी ने पोटेंशियल वी लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया वी, एक चार्ज पार्टिकल क्यू को वी पोटेंशियल मिला तो वो एक चक्कर में घूम गया, फिर उसने अगला पोटेंशियल लगाया ऑब्वियसली फिर से एक पोटेंशियल ताकि वो दूसरे चक्कर में घूम गया, फिर ऐसे करते 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 वो पोटेंशियल लगाता गया, तो इतने एनर्जी दे के पार्टिकल एक चक्कर में घूमता है, इतनी ही और एनर्जी दे के पार्टिकल दूसरे चक्कर में घूमता है, एनथ मान लो आखिरी चक्कर है, तो आखिरी चक्कर की एनर्जी यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, एन का मतलब आखिरी राउंड ऑफ सर्कल है, तो एक सर्कल में घूमने के लिए चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और आखिरी चक्कर के लिए एन इनटू क्यू वी एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी निकल सकती है और वैसे भी निकल सकती है, वैसे ऊपर वाला फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है,
लास्ट है लिमिटेशन। इसकी क्या मजबूरी है, ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा सकता, ये इसकी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है ये इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेलरेट सही तरीके से नहीं करवा पाता, उसका रीजन है एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो पाते इसमें, या ये विंडो से बाहर क्यों नहीं निकलते। आपको की प्रॉब्लम क्या है, पॉजिटिव को बीच में रखा, डीज ने पॉजिटिव को खींचा, जब डीज ने पॉजिटिव को खींचा तो नेगेटिव को भी तो खींच सकती है, पॉजिटिव भी सर्कल में घूम रहा है, नेगेटिव भी सर्कल में घूमेगा तो वो भी तो घूम के बाहर आएगा। प्रॉब्लम ये है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका एनर्जी, उनका जो पार्टिकल का मास है वो बहुत छोटा होता है, हल्के होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर जाते हैं एंड अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, इतनी हाई कर जाते हैं कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कहती है कि अगर एम नॉट रेस्ट मास है पार्टिकल का, रेस्ट पे पड़ा हुआ मास मान लो इलेक्ट्रॉन का एम नॉट है, और अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं, वी स्पीड अक्वायर करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जितनी तो अक्वायर नहीं कर सकते, तो मास चेंज हो जाता है। वैसे पार्टिकल का मास कभी चेंज नहीं होता, पर इसमें चेंज हो जाता है, अगर पार्टिकल बहुत तेज मूव करे पार्टिकल का मास चेंज हो जाएगा, और ये फॉर्मूला है पार्टिकल का। तो सोचें अगर हल्के पार्टिकल हैं तो वेलोसिटी बहुत एक्वायर करेंगे, ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, वन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो जाएगी, मास बढ़ जाएगा, रिजल्ट है मास चेंज हो जाता है। जब मास चेंज होता है तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ऑसिलेटर का 2 पाई एम बाय बी क्यू होता है, और एक डी में टाइम स्पेंड क्या होता है, पाई एम बाय बी क्यू होता है। अब ये टाइम पीरियड ऑसिलेटर का तो फिक्स है, मान लो एक सेकंड के बाद उसमें चार्जेस चेंज करने ही करने हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब मास चेंज हो गया तो डी में घूमने का टाइम चेंज हो गया, जबकि वो मैच किसके साथ करना चाहिए था, ऑसिलेटर के साथ, कि अगर ये स्मॉल टी है तो ये टू टी हो जाएगा, ये तो चेंज हो गया, यहां से ये फिक्स रह गया, तो ऑसिलेटर अपना मान लो अभी चार्ज पार्टिकल बीच में रह गया, ऑसिलेटर ने पहली चार्ज चेंज कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी उसमें, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगी पार्टिकल के घूमने में एंड साथ में ऑसिलेटर के साथ, तो पार्टिकल के बीच में घूम जाएगा, मिल नहीं पाएगा, तो आप समझ नहीं पाओगे पार्टिकल विंडो से बाहर नहीं आया तो आपके आपके लिए तो गया। तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो नहीं पाते सही तरीके से, तो ये डिवाइस सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए ही काम करेगा। इसके न्यूमेरिकल्स हमने नेक्स्ट टाइम करने हैं, आज के लिए सफिशिएंट है, टेस्ट की तैयारी करो।